ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि मेरा मतलब ट्रेनिंग से है। अब वो ट्रेनिंग आपकी, जैसे मैं किसी एक्टिंग स्कूल में उस वक्त थे भी नहीं, अभी तो बहुत सारे खुल गए और ज्यादातर ऐसी तो एक्चुअली दुकानें खुल गई हैं, लेकिन उस वक्त तो बहुत लिमिटेड था। लेकिन मैं वो भी उसमें एडमिशन नहीं ले पाया। लेकिन जब मैं नहीं ले पाया एडमिशन, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं प्रैक्टिकल कर करके जो है अपने आप को ट्रेंड करूंगा। तो मेरा आइडिया ये है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो आप फॉर्मल स्कूल में जाके भी ले सकते हैं और वो आप थिएटर करके भी ले सकते हैं। कि जैसे मैंने किया था कि मैं एक ग्रुप ज्वाइन किया, दूसरा ग्रुप ज्वाइन किया, तो काफी डायरेक्टर्स के साथ काफी प्लेज मैंने किए, तो और काफी कुछ उनसे सीखने को मिला। तो आई वॉज ट्रेनिंग माई सेल्फ फॉर 7-8 ईयर्स इन दिल्ली विद द थिएटर। तो आइडिया इज के स्कूल हो या नॉन स्कूल हो, बट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैंने इन लोगों के साथ काम किया, ये आपने जैसे कहा कि ये नसीर साहब या पंकज कपूर साहब या ओमपुरी साहब, ये बॉर्न एक्टर नहीं है, इन द सेंस कि डेफिनेटली इनके अंदर जो है कहीं वो एलिमेंट था जिसको जिसने ड्रॉ ऑन किया, बट इन लोगों ने ऑड सर्कमस्टांसेस को अपनी तरफ अपने फेवर में कन्वर्ट किया विद वेरी हार्ड वर्क। ये उस जमाने में, जिस जमाने में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र जैसे हैंडसम, टॉल हैंडसम लोग ही इंडस्ट्री के लिए माने जाते थे, ये उस जमाने में बिल्कुल ऑर्डिनरी फेसेस वाले लोग थे जिन्होंने शेयर हार्ड वर्क, ट्रेनिंग एंड अपनी जिसे कहते हैं कि पैशन की वजह से इन्होंने ओवर द पीरियड अपनी जगह बनाई है। तो मुझे ये लोग बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं कि कितने भी आपके सरकमस्टांसेस ऑड हो, आपको टाइपकास्ट कर दिया हो, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी एक इमेज को आगे कैरी करके ले जा सकते हैं। पंकज कपूर साहब हुए, ओमपुरी साहब हुए, नसीर साहब हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं एडवर्टाइजिंग फिल्म्स में, तो उसमें प्रसून पांडे एक मेरे दिमाग में नाम आता है कि जो कि ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। और अलग अलग क्या है, योनर की बात होती है। अब जैसे कमर्शियल सिनेमा है, उसमें डेविड धवन साहब के साथ भी काम किया मैंने। अब उनका अपना एक जॉनर है, लेकिन उस जॉनर में उनकी मास्टरी है। अगर आप उनसे बात करें और उनसे आप उनकी कहानी सुने, क्योंकि मैंने उनके साथ 2-3 फिल्में की हैं, तो उनकी जर्नी किसी और आदमी की जर्नी से कम नहीं है। उन्होंने भी FTII में मतलब ऐसे कोर्स किया एडिटिंग का, और यहाँ बॉम्बे आके कैसे वो चौल में रहे, छोटे छोटे कुछ सीरियल या छोटे छोटे कुछ एडिट करने को मिलता था, तो उसके बाद आके कैसे उन्होंने 18 बैक टू बैक हिट दी, अपने जॉनर में दी, चाहे गोविंदा, कादिर खान, कुली नंबर वन, हीरो मन नंबर वन, बट स्टिल सी कमर्शियल सिनेमा का भी एक वो पूरा है ना। तो उनको हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब कि अरे वो तो ऐसे ही है, मतलब खाली वो क्या, लेकिन वो भी एक पूरा जॉनर एंटरटेनमेंट। वो क्लेम नहीं करते कि हम जो है कोई शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं भाई, वो तो कहते हैं हम तो मस्ती करने के लिए आए हैं, हमारी फिल्म आओ, दिमाग घर छोड़ गया हो, है ना। बट ऐसा नहीं होगा, उसके पीछे मेहनत की कमी है, बाकी ये सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स और बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला एड फिल्म्स में भी, और मुझे दोनों तरह के सिनेरियो में काम करने के लिए मिला। एक तरफ होमी अडजानिया की बीइंग साइरस, जो कि उस तरह की फिल्म थी, काफी डार्क फिल्म थी, उनके साथ काम करने को मिला। एक्टर्स लाइक नसीर साहब के साथ काम करने को भी मिला, थिएटर में भी, फिल्म्स में भी, और साथ ही गोविंदा के साथ भी काम करने को मिला। तो वो भी इक्वली चैलेंजिंग था, क्योंकि वो भी अपने कला के माहिर हैं, अपनी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। तो आई वुड से कि जॉनर अलग अलग हो सकते हैं, बट दीज पीपल आर रियली इंस्पायरिंग। कोई भी ऐसे टॉप पे आता नहीं, वो तो एक
प्रोसेस है कि जब हम लोगों को स्क्रिप्ट मिलती है तो कॉमेडी में खास तौर से जो इम्प्रोवाइजेशन होती हैं वो इम्प्रोवाइजेशन एक्टर को ही लाना पड़ता है, या मोस्टली हम लोगों को वो थोड़ा सा अपना टाइमिंग को एक्टर्स के साथ, ताकि उसकी टाइमिंग करेक्ट हो। राइटर अपने फ्लो के हिसाब से लिखता है तो आप उसको समझ जाते हैं कि व्हाट इज ट्राइंग टू से। नाउ अब आपको उसको एक डिलीवर करना है विद योर टाइमिंग। तो इम्प्रोवाइजेशंस और चेंजेस ऑन द स्पॉट बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि अब फिल्म करने गए तो अपना स्क्रिप्ट पढ़ी तो डायरेक्टर से मीटिंग हुई तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि यार ये वाला जो रोल है आप कर रहे हैं मैंने इसके बारे में ही कुछ नहीं सोचा है तो आप कर रहे हैं तो मतलब आप मुझे मालूम है कुछ आप बना लेंगे, तो हम लोग जाएंगे सेट पे कुछ बात करेंगे थोड़ा इसको बना लेंगे। तो कई बार ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि चलिए कुछ ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं हुआ हुआ है, एक थिन लाइन है स्क्रिप्ट के अंदर, अब इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं या क्या एलिमेंट्स डालें इसके कैरेक्टराइजेशन में जो इसके कुछ सीन्स फनी बने और इंटरेस्टिंग बने। तो इतने साल काम किया है तो कुछ डायरेक्टर्स इस तरह से भी कह देते हैं कि चलिए आप कर रहे हैं, हमने तो सोचा बस कुछ बनाएंगे इसको। तो करना पड़ता है वो जो आपने कहा कि इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं अपने हिसाब से। ऑफ कोर्स डायरेक्टर तो कैप्टन है, बट विद द परमिशन के भी इसको ऐसा करें और उसको फिर हम को एक्टर के साथ करके दिखाते, उनको पसंद आता है तो वो चेंजेस हम लोग करते हैं।